ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली है? हाँ पूजा, देखो मैं माँ फिर आगे बातें नहीं करता, मेरा इसके साथ अफेयर था तो मैंने शादी कर ली। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं आती हूँ। तुम्हारी वाइफ कहाँ चली गई? तुम जानती हो ना, ये औरतों का रोना धोना, तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। पूजा, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा या फिर तुम नाराज नहीं हो? नाराज क्यों होंगी मैं? अगर तुम पहले बताते कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है तो शायद मेरा दिल दुखता या मुझे बुरा लगता, पर अब तो तुम शादी करके आ गए हो ना, और शुभ काम में क्या नाराजगी दिखानी। आ जाओ। मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत गुस्सा होगी, और पता नहीं तुम्हें कैसे संभालूंगा, कैसे समझाऊंगा चीज़ें। तुम सच में बहुत अच्छी हो। आई लव यू। आई लव यू टू लव। वैसे दीदी, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? दीदी कहकर बुलाऊं? सौतन, मैं सौतन हूँ, सौतन ही बुलाना। सौतन, ये भी ठीक है, तुम मेरी सौतन, मैं तुम्हारी सौतन। मैं चाय लेकर के आती हूँ, बैठो तुम लोग। देखा, मैंने बोला था ना, पूजा बहुत अच्छी है, अब हम तीनों मिलकर अच्छे से रहेंगे और ट्रिप पर जाएंगे। सच में लव, जितना तुमने मुझे बताया था, मेरी सौतन तो उससे कई ज्यादा अच्छी है। पूजा, चाय सच में बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतनी अच्छी हूँ लव, तो तुम मेरी सौतन क्यों लेकर के आ गए? मतलब ये, मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, तुमने कहा जॉब छोड़ दो, मैंने जॉब तक छोड़ दी, तुम्हारे माँ बाप का इतने अच्छे से ध्यान रखा, तुम्हारे भाई बहन को अपने भाई बहन की तरह समझा, उनको इतना प्यार दिया, फिर भी तुम सौतन ले आए। मुझे मेरा दिमाग मत खराब करो, ना मेरा हाथ उठ जाएगा। अफसोस लव, तुम उस लायक रहे नहीं अब। क्या मतलब? क्योंकि अब ना तुम चंद सेकंड के मेहमान हो उस दुनिया में। कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब ये, जो तुमने अच्छी चाय पी है ना, इस पे मैंने जहर मिला दिया था। पूजा, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल ही तो थी मैं तुम्हारे प्यार में, जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती थी, तुम पर अंधा भरोसा करती थी मैं। लेकिन मैंने आपको क्या बिगाड़ा था? आपने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? ये बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही जरा से भी? तुम्हें अच्छे से पता था ये आदमी शादीशुदा है, फिर तुमने हमारा घर क्यों तोड़ा? ससुर जी, पता नहीं लव को क्या हो गया, उसे होश ही नहीं आ रहा है। हाँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा। अब तो दुनिया से उठ चुका है, अब उठेगा कैसे?